इंदौर खजराना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर 3 बदमाशों को पकड़ा है। तीनों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। इस पिस्टलबाज गैंग से पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने वैभव पिता अरुण निवासी नरीमन पॉइंट बालाजी हाइट्स नामक बदमाश को पकड़ा था। उसके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। वहीं वैभव खजराना क्षेत्र में पकड़ाया। उससे पूछताछ में मिली जानकारियों के बाद टीम ने विवेक पिता श्याम वर्मा निवासी पंचवटी नगर और पंकज पिता अरविंद ठाकुर निवासी कुंदन नगर हवा बंगला को भी पकड़ा है। इन दोनों के पास भी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। बदमाशों ने हथियार क्यों जमा किए, इस बाबत बदमाशों से पूछताछ जारी है। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। उसे से साक्षी मिले थे कि वो कहीं से पिस्टल खरीदना चाह रहा था, तो उसमें चूँकि लगातार काम कर रही थी, पलाशी की टीम ने भी काफ़ी काम किया और क्राइम ब्रांच ने भी साथ मिलकर काम किया। इसी सूचना को आगे बढ़ाया गया तो और उसके बाद फिर ये इनपुट मिला था कि पंकज के बारे में, तो पंकज को फिर एक आश्वस्त लेकर पूछताछ की, उससे एक पिस्टल मिल गई और उसे स्वीकार कर लिया। और इसी तारतम्य में एक सोशल मीडिया पर भी एक फोटो पिस्टल के साथ वायरल हुआ था, तो उसको भी आरोपी को उठाया गया विवेक और आशीष को, और उनको भी बात उनसे भी एक पिस्टल और एक कट्टा मिला है। तो कुल मिलाकर तीनों आरोपियों से 2 पिस्टल और एक कट्टा और एक एक राउंड मिला है। तो चूँकि थाना खजराना TI संतोष यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने काम किया है, तो इसमें पूरा थाना खजराना में FIR की गई है और उनका और भी पूछताछ कर रहे हैं। सर, पूछताछ में कुछ सामने आया कि कहाँ से लिखा है? बेसिकली सोशल मीडिया में जो था उससे शौकिया तौर पर उसने किया है, जो जिसने डाला है फेसबुक पे सोशल मीडिया पे। सर, कोई रिकॉर्ड वगैरह? कोई रिकॉर्ड वगैरह फिलहाल तो नहीं है। मैं और पंकज ने बेसिकली बोला कि वो खरगोन से किसी स्लीकर से वो दिलवाना चाह रहा था, तो वो पिस्टल उसने ले ली थी और लेकिन वो लेने नहीं आया, उसका पैसा नहीं था। और इनसे जो जो पूछा इनसे जो शौकिया तौर पर, तो उनके द्वारा बताया गया कि धार में सिहाना के कहीं से क्लिक करके उनका लिंक है, तो वहाँ से। तो ये सब इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने आएगी। फिलहाल आरोपियों को खिलाफ 25 थाना दर्ज की जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।